कुमार त्यागी है और मैं एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से हूँ। हमारे यहाँ पे जो पीओई यतेंद्र जी हैं, इन्होंने मुझे बताया कि आप जो है गेंदे की खेती काफ़ी टाइम से करते हैं, तो उसी के देखने के लिए मैं आपके खेत तक जो है आया हूँ। तो मैं थोड़ा आपसे पहले आपके परिचय चाहूँगा, आपका नाम क्या है? पूरन सिंह। पूरन सिंह। आपके पिताजी का नाम? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल। आपका गांव कौन सा है? गांव मोहनपुरा। मोहनपुरा जिला? हाथरस। हाथरस। तो आप कितने समय से ये गेंदे की खेती करते हैं? 10-12 साल। 10-12 साल से करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी मुनाफा होता है? अच्छा, कभी कभी नुकसान भी हो जाता, तो इसमें अभी मैं देख रहा हूँ, वैसे फूल तो कुल मिला के आपका अच्छा ही है, लेकिन जो फूल का साइज नहीं जो बनना चाहिए वो साइज बन नहीं रहा, उसी के बारे में आइए आपको मैं दिखाता हूँ। आपको किसान भाई आइए, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, जो फूल का साइज क्या है, जो एचएल साइज आना चाहिए वो नहीं है। उसका कारण है कि इसमें जो है एक तो हल्का माइट का असर है और दूसरे इसमें रस चूसने वाले कीड़े भी लगे हुए हैं और पौधे पे वो रौनक नहीं है जो होनी चाहिए। तो इसके लिए मेरी कंपनी का एक सुपर सोनाटा प्रोडक्ट आता है, एचपीएम का सुपर सोनाटा। यदि आप इसको 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से लगाएंगे ना, तो इससे आपकी एक तो माइट तो कंट्रोल होगी होगी और माइट के साथ साथ में जो है पौधे पे रौनक भी आएगी, इसका साइज़ भी डेवलप होगा। जो अभी ये छोटा देख रहे हैं ये साइज़ भी डेवलप होगा। वैसे तो फूल मिला के ठीक ही है, लेकिन इसको आप ज़रूर लगाइए। बाकी मैं आपके लिए जो इसमें गिलार आती है, गिलार के लिए मेरी एक्सपर्ट नाम की दवाई आती है, वो आपको 10 ग्राम से लेके 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से करनी है, ठीक है ना। और दूसरे जो है जो इसमें रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं उसके लिए टाइफोन आती है, वो सब मैं दवाइयाँ आपको लिख के भी दे दूँगा, ठीक है। आप लोगों ने मेरी बात बहुत गौर से सुनी, धन्यवाद। धन्यवाद।